नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पंकज 98 एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के सामने नंबर सिस्टम के कुछ ऐसे सवाल लेके आए हैं जो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन्स करते हैं, और कई बच्चे इस सवाल को पूछे भी थे मुझे। तो हमने सोचा कि इस सवाल को लेकर उन्हें हम आप वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए। आप लोग का सपोर्ट मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे ही मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे और अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखते हैं। तो वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने दिख रहा है पहली सवाल दिया है 5A1B और यहाँ पे भेज दिया है 16 मतलब 16 और क्वेश्चन मार्क दिया आपका 8, मतलब ये है क्या, हेक्सा डेसिमल है, इसको चेंज करना। मैं सवाल फिर से लिख दे रहा हूँ 5A1B और सवाल को चेंज करना किसमें, अक्टल में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया गया हेक्सा डेसिमल और चेंज करना हमको इसको अक्टल में चेंज करना है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं पेयर के लिए कि हम लोग जोड़ा कितने का बना है, किसमें कितने का जोड़ा बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हेक्साडेसिमल में कितने का जोड़ा बनता है, 4 का जोड़ा बनता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ऑक्टल में कितने का बनता है, 3 का, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 3 का बनेगा और यहाँ पे कितने का बनेगा, 4 का, 4 का जोड़ा बनता है। अब हम लोग यहाँ पे सवाल को हल करने से पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया है, बी दिया है, तो आप लोग को पढ़ाया गया था कि हेक्साडेसिमल जो संख्या थी 0 से लेके 9, उसके बाद आपका ए बी सी डी ई एफ तक होता है, बेस कितना होता है 16। यहाँ पे 9 के बाद देखिए ए है, तो ये कहाँ पे 10 11 12 13 14 15, यही बताया गया था आपको। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है क्या, यह बी है, तो बी यहाँ पे किसके स्थान पे है, देखिए 11 के स्थान पे। तो हम लोग सबसे पहले किसकी बारे निकालेंगे, 11 की बारे निकालेंगे। तो 2 5 6 10, यहाँ पे बचा 1, 2 2 9 4, 1 2 1 कम 2, तो 11 की बाइनरी क्या है आपकी, ध्यान से देखिए 11 की बाइनरी, बाइनरी नीचे से ऊपर लिखते हैं आप लोग, 11 की बाइनरी क्या आ गई, 1 0 1 1, ठीक है। अभी देखिए हम लोग इसको बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, किसको, हेक्साडेसिमल को, 11 की बाइनरी निकल गई। अब उसके बाद 1 है, 1 1 खुद एक क्या है, 0 और 1 है, बाइनरी होती तो 1 की बाइनरी क्या होती है आपकी, 1 की बाइनरी, 1 की बाइनरी क्या होगी, 1 होगी। अब ध्यान से देखिएगा, 4 का पेयर बनता था, हमने बी को निकाला तो 4 संख्या पे आ गई, लेकिन 1 की बाइनरी 1 है, यहाँ पे कितनी संख्या है, 1 ही, अभी कितने कमी हो रही है, 3 संख्या कमी हो रही है, तो हमने यहाँ पे देखिए अभी 4 भी हो गया। अब उसके बाद क्या है, ए किसके स्थान पे है, 10 के स्थान पे, अब 10 की बाइनरी निकालेंगे तो क्या होगा, 1 0 1 0, ठीक। उसके बाद 5 है, 5 की बाइनरी क्या होती है, 1 0 1, 3 आया, 1 का कमी है, इसको बढ़ा दिए। ध्यान से देखिए, मैंने हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट किया, अभी बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब इस बाइनरी को हम किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, ऑक्टल में। तो यहाँ पे अब जो है ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कितने का पेयर बनाना होगा, 3 का बनता है, देखिए यह बना आपका, यह बना, यह बना, यह बना और यह बना, ठीक, इधर एक बच गया, आप 2 0 बढ़ा लीजिए या 0 लास्ट में, इसका कोई मतलब है नहीं। अब देखिए 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, 0 की वैल्यू मैंने बताया था कि क्या होती है, ऑफ होती है, तो आप इसमें क्या बचा, 2 1 3, बेस कितना होगा, इसमें भी क्या बचा, 2 1 3, इसमें क्या बचा, 0 है, सब कटेगा तो 0 बचा, इसमें कितना बचा, 5, और इसमें कितना बचा, 5, आपकी बाइनरी क्या आ गई, देखिए यहाँ पे 55 0 33, तो जो आपका ये आया है आपका ऑक्टल आया, क्या आया, ऑक्टल, जो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यह होगा, ठीक है, 55 33। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया, आप इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप समझ सके। अब देखिए आपका क्या दिया है यहाँ पे, 45, यहाँ पे देखिए गलत लिखा गया है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 10 है, ठीक है,
आपका 45 है। अब इस 45 को किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में है क्या या डेसिमल, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना आपका ऑक्टल में। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यह 10 है, डेसिमल है, तो 45 को हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? पूरे संख्या को 2 से विभाजित किया जाएगा, 2 दुना के 4, 2 दुना के 22, दुना के 44 है कितना? 45, एक बचा, 11 दुना के 22, 0 बचा, 2 5 है 10, एक बचा यहाँ पे, 2 दुना के 4, 2 एक कम 2, 2। बाइनरी हम लोग कहाँ से लिखते हैं? नीचे से ऊपर। सबसे पहले क्या है? 1 0 1 1 0 1, आपकी ये क्या आ गई? बाइनरी आ गई। ध्यान से देखिए, आपका ये बाइनरी आ गई, लेकिन हमको चेंज किस में करना है? इसको ऑक्टल में चेंज करना है। ऑक्टल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, 1 2 4, 1 2 4, यहाँ पे 4 1 5, इसमें भी क्या बचा? 5। तो आपका आंसर क्या आ गया? 55, ठीक है, आपका आंसर 55 इसका होगा। ध्यान से देखिए, इसके बाद आपकी तीसरी जो सवाल है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरी सवाल देखिए, 502105 है, ऑक्टल है यार, चेंज किसमें करना है? हेक्साडेसिमल में। तो अब हम लोग सबसे पहले किसकी बाइनरी निकालेंगे? 5 की बाइनरी क्या थी? 101, ठीक है, 0 की बाइनरी 0, कितने कमी हो रही है? 2 जीरो की कमी हो रही है, 3 का देखिए हो गया समूह। अब 1 की बाइनरी 1, अब कितने जीरो की कमी हो रही है? यहाँ पे 00 की कमी हो रही है, ये भी 3 हो गया। 2 की बाइनरी क्या होगा? 10, 2 की बाइनरी क्या होगा? 10, कितने कमी हो रही है? 1 जीरो की कमी हो रही है। फिर 0 की बाइनरी 0, कितने कमी हो रही है? 2 जीरो की। 5 की बाइनरी 105। एक एक संख्या का मैं बाइनरी निकाल रहा हूँ। 0 क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये कही आ रहा था जितना कम हो रहा है, 3 का पेयर बनाते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देखिए 3 तो आ गया 5 का, तो मैंने कोई 0 नहीं बढ़ा, लेकिन यहाँ पे 0 की बाइनरी 0, अभी आगे कंप्लीट करने के लिए 2 कम हो रहा था, इसलिए मैंने 2 0 बढ़ा लिया। जितना आपको कम होगा उतना बढ़ाएंगे। अब देखिए चेंज किस में करना है? हेक्सा में। हेक्सा में पेयर कितना बनाते हैं हम लोग? यहाँ पे देखिए 4 का मैंने बताया है, तो यहाँ पे आप पेयर बना लीजिए 4, ये देखिए 4 का बना, ये भी 4 का बना आपका, ये भी बना, इधर आप 2 जीरो बढ़ा के पेयर बना लेंगे, ये भी 4 का बना, ठीक है। अब देखिए 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ध्यान देखिए, इसमें यह कटा था 4 1 5 बचा, बेस कितना होगा? 16 होगा। इसमें यह कटा, यह कटा, कितना बचा आपका? 4। इसमें यह कटा, ये भी कटा 4, इसमें कितना बचा आपका? 8 बचा। इसमें आपका कितना बचा? 1 2, ये सब कटा तो कितना बचा? 2। आपका वो आंसर क्या आ गया? हेक्सा डेसिमल, ठीक है, 2 8 4 4 5। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और जितने भी सवाल समझ में आए हैं आप कमेंट बॉक्स के कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई भी सवाल नंबर सिस्टम से है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस सवाल को आपको जरूर बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अगर मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक बार फिर कहता हूँ, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।